I'm sorry. I'm sorry. I'm not doing it again. I'm not doing it again. Okay, baby. मैं क्लास तो बाद में हूँ क्लास तो बाद इतनी बुढ़िया चावल आज मेरी क्लास है चावल गुड आफ्टरनून जी कैसे हो अच्छे हो मैम आप कैसे हो बस बढ़िया आप बताओ तो लास्ट क्लास में हमने बायोगैस प्लांट किया था ठीक है और एसटीपी भी हो गया हमारा और हम आईपीएम का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का हम देख रहे थे कि कैसे जो हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं उनको इंसेक्ट या फिर किसी पेस्ट के अटैक से बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करते रादर हम क्या करते हैं कोई ऐसा इंसेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो उनके ऊपर फीड करता है ठीक है लेकिन हम पूरे का पूरा जो इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन को एलिमिनेट नहीं करते तो हम उसको मैनेजेबल लेवल पे रखते हैं मैनेजेबल लेवल जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम उस इंसेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देंगे तो जो हमारा वो है क्या कहते हैं जो उसका प्रीडेटर है फिर वो भी खत्म हो जाएगा वो भी नहीं आएगा वापस दोबारा इसीलिए हम उसको मैनेजेबल लेवल पे रखते हैं कि हमारी क्रॉप का भी नुकसान ना हो और हम उसको जो है एक बार क्या कर सके मैनेज कर सके इस लेवल पे रखते हैं तो इसको हम आईपीएम का नाम देते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का तो हम इसमें कर रहे थे तो पहले हम देखते हैं बायोपेस्टिसाइड्स बायोपेस्टिसाइड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं एक होती है बायो हर्बिसाइड्स और एक होती है बायो इंसेक्टिसाइड्स इसमें हमारे पास बायो हर्बिसाइड्स देखते हैं पहले इसमें हमारे पास पहले आती है माइक्रो हर्बिसाइड्स स्मूदर क्रॉप्स देन प्रीडेटर हर्बीवोरस तो स्मूदर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो स्मूदर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो किसी भी अनवांटेड प्लांट को वीड को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देती जैसे सनफ्लावर है सनफ्लावर को हम स्मूथ क्रॉप का नाम देते हैं क्यों स्मूथ क्रॉप का नाम देते हैं क्योंकि जब हम सनफ्लावर लगाते हैं तो हमें वीडिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ता क्योंकि सनफ्लावर खुद ही कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जिसके अंदर कोई भी जो अनवांटेड प्लांट है वो उसके आसपास ग्रो नहीं कर सकता ये भी एक तरह की इंटरेक्शन होती है दो स्पीसीज के बीच में जिसमें एक स्पीसीज ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से दूसरी स्पीसीज उसको आसपास ग्रो नहीं दूसरी स्पीसीज आसपास ग्रो नहीं कर पाती तो इस इंटरेक्शन को हम अमेंसलिज्म का नाम देते हैं इसको अमेंसलिज्म का नाम देते हैं ये लास्ट चैप्टर इकोलॉजी में आएगा तो यहाँ पे सिर्फ हम स्मूदर क्रॉप्स याद करेंगे स्मूदर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो अपने आसपास किसी भी वीड को अनवांटेड प्लांट को ग्रो नहीं करने देती इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी किसकी दैट इज ऑफ सनफ्लावर देखो स्मूदर क्रॉप्स क्रॉप्स विच डू नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो जो अपने आप आसपास जो है वीड्स को ग्रो नहीं करने देती देन हमारे पास आती है माइक्रो हर्बिसाइड्स माइक्रो हर्बिसाइड्स कौन सी होती है माइक्रो वर्ड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई तो कुछ ऐसी फंजाई की स्पीसीज हैं जो किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर पैरासिटाइज करती हैं पैरासाइट की तरह काम करती हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो हर्बिसाइड देन हमारे पास थर्ड थी प्रीडेटर हर्बीवोरस हर्बीवोर इंसेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं ठीक है तो ये तीनों के तीनों हमारे बायोपेस्टिसाइड्स में पहला टॉपिक कवर करेंगे दैट इज बायो हर्बिसाइड्स तो बायो हर्बिसाइड्स ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके एक्सट्रैक्ट विच डिस्ट्रॉय विदाउट हार्मिंग क्रॉप प्लांट्स तो वो क्रॉप प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन जो हैं दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको वीड्स हैं अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको क्या कर देंगे वो खत्म कर देंगे दे आर कॉल्ड एज
बायो हर्बिसाइड्स। पहले इसमें आए प्रीडेटर हर्बीवोरस, कुछ इंसेक्ट्स जो पर्टिकुलर वीड्स के ऊपर फीड करेंगे, अनवांटेड प्लांट्स के ऊपर। स्मूदर क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स लगाएंगे तो वो अपने आसपास अनवांटेड प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगी, एग्जांपल है सनफ्लावर। माइको हर्बिसाइड्स, कुछ फंजाई जो किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर पैरासिटाइज करती है और उसको आसपास ग्रो नहीं करने देती। देन उसके बाद हमारे पास आती है बायो इंसेक्टिसाइड्स, कुछ लिविंग इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो है हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, मतलब लिविंग इंसेक्ट्स जिनको हम एज अ यूज करते हैं एज अ प्रीडेटर जो इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं प्रीडेटर्स, देन पैरासाइट्स, पैरासिटॉइड्स एंड पैथोजेंस, देन नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। तो पहले बात करते हैं हम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर कौन से हैं? जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि हमारे पास जो लेडी बर्ड बीटल है जिसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती हैं, एंड जो ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, तो इनसे हम मॉस्किटोज और एफिड्स को दूर रख सकते हैं। मतलब अगर हम अपने क्रॉप के ऊपर ये लेडी बर्ड बीटल को छोड़ दें, ठीक है, तो जो एफिड्स और मॉस्किटोज हैं वो हमारी क्रॉप के आसपास नहीं आएंगे। लेडी बर्ड बीटल भी है और ड्रैगन फ्लाई भी है, ये दोनों मॉस्किटोज और एफिड्स, एफिड्स तुमने स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में पढ़ा है अटैक करते थे, तो इनको हम बचा सकते हैं बाय यूजिंग लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाईज। ओके, दूसरी बात करते हैं हम पैरासाइट्स की, या फिर पैरासिटॉइड्स की, या फिर पैथोजेंस की। इसमें एक ग्रुप ऑफ वायरसेस आते हैं पहले, दैट इज कॉल्ड बैक्यूलो वायरसेस। बैक्यूलो वायरसेस जो है वो एक बड़े जीनस को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है एनपीवी। एनपीवी मतलब न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस को कुछ वायरसेस बिलोंग करते हैं। यही एक यूज है वायरसेस का जो हमारे लिए जो है फायदेमंद है, ठीक है, वायरसेस का एक यूज ये वाला है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वायरसेस बेनिफिशियल भी है। तो बैक्यूलो वायरसेस एनपीवी जीनस को बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस। बैक्यूलो वायरस की खास बात क्या है कि दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्पीसीज के ऊपर अटैक करेंगे, ये नहीं कि हरेक के ऊपर अटैक कर देंगे। दूसरा, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जिस इंसेक्ट के लिए हमने डाली है उसी इंसेक्ट को खत्म करेगी, आसपास और कोई इंसेक्ट बैठा होए इसके उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं होगा, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, प्लांट्स के ऊपर कोई भी इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बर्ड्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर, किसी चीज के ऊपर उनका कोई वो नहीं। तो इसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है उसके अंदर इसको हम जो है यूज कर सकते हैं। तो एक बार पढ़ के देखते हैं, बैक्यूलो वायरसेस पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। द मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरसेस, इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का नाम देते हैं, दे आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस एनपीवी। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसी स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। तो ये जो है एक स्पीसी स्पेसिफिक है और दूसरा इनका जो स्पेक्ट्रम रेंज है दैट इज नैरो, बहुत ब्रॉड रेंज नहीं है। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट, बर्ड्स, मैमल, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ना तो किसी और इंसेक्ट को, ना कोई बर्ड, मैमल, प्लांट, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। This is specially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in all overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated. Ecologically sensitive area का मतलब क्या होता है कि वैसे अगर हम कुछ स्प्रे करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो वो एरिया बहुत सेंसिटिव है, जहां अगर हम कोई केमिकल इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी जगह पे हम IPM इंट्रोड्यूस करके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उनको बचा सकते हैं और जो हमारे हार्मफुल है उनको हम मैनेजेबल लेवल के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो अभी हमने बायो इंसेक्टिसाइड्स में दो किए, प्रीडेटर्स जो शिकार करते हैं, ठीक है, प्रीडेटर होता है शिकारी और जो प्रे होता है वो होता है शिकार। दो एग्जांपल्स की, लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाईज किस किस को दूर रखेगी, एफिड्स और हमारे जो है मॉस्किटोस। दूसरे हमने किए वैक्यूलो वायरसेस, जीनस का नाम याद रखना है,
दूसरे दो करेक्टर्स याद रखने हैं, स्पीसी स्पेसिफिक है एंड नैरो स्पेक्ट्रम है। तीसरा है किसके ऊपर अटैक करेगा, इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स के ऊपर अटैक करेगा। चौथा याद रखेंगे हम कि इनका नॉन टारगेट स्पीसीज के ऊपर कोई असर नहीं। ओके डन। उसके बाद अगली करते हैं हम ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एंटी फंगल है, मतलब खुद फंगस है और ये किसी और फंगस को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देगी। बहुत सारी फंगस बच्चे ऐसी होती हैं जो रूट्स इकोसिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं। जैसे प्लांट की रूट के ऊपर अटैक की तो रूट की यील्ड जो है प्लांट की बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से रूट ने पानी देना था शूट सिस्टम को तो शूट सिस्टम भी क्या हो गया, उसकी ग्रोथ भी नेगेटिव में चली गई, है ना। तो अगर हम वहां पे ट्राइकोडर्मा को ग्रो कर दें तो एंटी फंगल है, तो कहीं पे भी किसी और फंगस को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देगा। तो ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई है जो कि रूट इकोसिस्टम के अंदर बहुत कॉमन है। सो दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। जो भी फंगस के पैथोजेंस अटैक करते हैं हमारे रूट सिस्टम के ऊपर, तो ये फंजाई को वहां पे रूट इकोसिस्टम के अंदर ग्रो कर दो। फ्री लिविंग फंजाई है तो ये किसी भी और फंगस को आसपास ग्रो नहीं करने देगी। देन आती है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स में तुमने देखा होगा कई बार कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कनक वगैरह खरीदते हैं, ये गेहूं वगैरह जो कुछ भी ज्यादा अमाउंट में जो खरीदते हैं, कई लोग उसमें नीम के पत्ते डाल के रख देते हैं, है ना, क्योंकि नीम के पत्ते जो है बेसिकली दे आर क्या है, उनके अंदर इंसेक्टिसाइड वगैरह होता है। तो देखो पहला है एजेदी रेचिटिन फ्रॉम मार्गोसा। मार्गोसा नीम का दूसरा नाम है नीम के पेड़ का, और वैसे नीम का साइंटिफिक नेम है एजेदी रेचिटा इंडिका, ठीक है। तो वहां से एक इंसेक्टिसाइड मिलता है, उस इंसेक्टिसाइड का नाम है एजेदी रेचिटिन, ठीक है। इनको, इस इंसेक्टिसाइड को हम अपने ग्रेन स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर वो डाल के रख सकते हैं और कोई भी हमारे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स के ऊपर चीज अटैक नहीं करेगी। Then Rotenone from roots of Darris elliptica and Lanchocarpus is a powerful insecticide harmless to warm-blooded animals. Warm-blooded animals कौन से हैं? हम warm-blooded animals हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको ये खत्म कर देती है, तो इंसेक्टिसाइड है। पायरेथ्रम, इनके अंदर पायरेथ्रिन होता है फॉर स्प्रे एंड सिनेरिट। इनके अंदर स्प्रे के लिए, जैसे हम आजकल स्प्रे नहीं करते मक्खियों मच्छरों के लिए, है ना, कीड़ियों के लिए, चींटियों के लिए, तो इनके अंदर जो होता है स्प्रे वगैरह के अंदर, इनके अंदर पायरेथ्रिन होता है जो इन चीजों को ग्रो नहीं करने देता। फिर सबसे कॉमन जो यूज की जाती है लेकिन आजकल बैन है, दैट इज निकोटीन सल्फेट। कहाँ से मिलती है? निकोटियाना टबैकम, जो हमारा टोबैको का प्लांट है निकोटियाना टबैकम, वहां से मिलेगी। उसका नाम है निकोटीन सल्फेट, जिसको सल्फास की गोलियां के नाम से जानते हैं। पहले लोग इसको खा के फिर वो अपने आप को खत्म कर लेते थे जिन्होंने अपने आप को वो करना होता था, तो इसीलिए इसका जो है ओपन मार्केटिंग इसकी बैन हो गई, अब ये नहीं मिलता। इसको भी जब कनक वगैरह स्टोर करते थे तो उसमें डाल के रखते थे, ठीक है, लेकिन आजकल ये पूरी तरह बैंड है। और ये सबसे क्या कहते हैं टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है निकोटीन सल्फेट, निकोटियाना टबैकम से मिलती है। देन हमारे पास है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फॉर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। अब ये जो है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास ना क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये कुछ अपनी बॉडी के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाता है, वो क्रिस्टल प्रोटीन को जब कोई इंसेक्ट खाता है तो उसकी इंसेक्ट की जो गट होती है उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उन छेद के थ्रू पोर्स हो जाती हैं, उन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट स्वेल कर जाता है, अल्टीमेटली वो बर्स्ट कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब हमें पता चला कि इस बैक्टीरिया से क्या मिलते हैं, हमें ऐसे क्रिस्टल प्रोटीन्स मिलते हैं, और ये बैक्टीरिया को खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्रिस्टल्स। उनको हम
प्रोक्रिस्टल का नाम देते हैं। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जब इनको एल्केलाइन पीएच मिलती है इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तब ये कन्वर्ट होते हैं एक्टिव में। तो जब एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी उसमें छोटी छोटी पोर्स कर देते हैं, पानी उसके थ्रू एंटर करता है, ठीक है। तो पानी जब एंटर करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा, सेल वॉल उसके पास है नहीं, तो अल्टीमेटली इट विल गेट बर्स्ट और उस इंसेक्ट की लाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो जब हमें पता चला, एक तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के क्या थ्रू क्या किया, कॉटन के ऊपर कॉटन बॉल वॉर्म्स अटैक करते थे, कॉटन के ऊपर कॉटन बॉल वॉर्म्स अटैक करते थे, तो पता तो कॉटन की सारी फसल को खराब कर देते थे। तो जब पता चला कि ये बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया जो है, इसको छोटा नाम दिया जाता है बीटी, तो ये बैक्टीरिया जो है उसको खत्म कर सकता है कॉटन बॉल वॉर्म के कैटरपिलर्स वगैरह को, तो हमने क्या किया, इसकी जीन को आइसोलेट किया, उस जीन को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई करके क्या कर दिया, उसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कॉटन के प्लांट के अंदर लगा दिया। तो कॉटन जो थी, कॉटन के अंदर क्या बन गई, कॉटन नॉर्मल कॉटन से क्या बन गई, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो थी उसके ऊपर जब ये बॉल वॉर्म के वो अटैक करने जाते थे तो उनकी बॉडी के अंदर क्रिस्टल जाते थे जिसकी वजह से उनकी पहले ही डेथ हो जाती। लेकिन आजकल ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स मार्केट के अंदर छोटे छोटे सैशे में मिलते हैं, उस सैशे को बस पानी में भिगो, ठीक है, और अपनी क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर दो। जब पानी में भिगो के हम क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो क्रॉप्स के ऊपर प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में ये पड़े रहते हैं, और जब इंसेक्ट इनको कंज्यूम करता है तो उनकी बॉडी में जाके वो एक्टिव टॉक्सिन्स बन जाते हैं जिसकी वजह से उन इंसेक्ट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अजादिरैचिटिन फ्रॉम नीम, अजादिरैचिटा इंडिका फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए, रोटिनॉन फ्रॉम रूट्स ऑफ डेरिस एलिप्टिका, पायरेथ्रम फ्रॉम पायरेथ्रम स्प्रे वगैरह के लिए, निकोटीन सल्फेस फ्रॉम निकोटियाना टबैकम, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इंसेक्ट से बैक्टीरिया से हमने क्या बना लिए है, इंसेक्टिसाइड्स बना लिए, ओके। देन नेचुरल इंसेक्टिसाइड में फिर वो बता रहा है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के बारे में, एक बार रीड करते हैं मैंने जो सारा बताया तुम्हें, देखो। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसको हम लिखते हैं बीटी। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम इसको यूज करेंगे। तो दे आर अवेलेबल इन सैशेज एज ड्राई स्पोर्स, इनको फिर हम पानी में मिक्स करके स्प्रेड ऑन टू क्रॉप्स लाइक ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा, क्योंकि ब्रासिकास और फ्रूट ट्रीज को कौन अटैक करता है, इंसेक्ट लार्वा। इन द गट ऑफ द लार्वा टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट्स किल्ड, तुम्हें पता है क्यों मर जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉक्सिन था उनकी गट के अंदर जाके एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट होंगी, पानी अंदर एंटर करेगा और वो स्वेल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली उसकी लाइसिस हो जाएगी। बट दीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स हार्मलेस, तो अनहार्म्ड छोड़ देगा उनको, बाकी कैटरपिलर्स को ये खत्म कर देगा। Because of the development of methods of genetic engineering in last decade, scientists have introduced BT thuringiensis toxin genes into plants. ये मैंने तुम्हें अभी बताया, BT cotton है, BT tobacco है, BT corn है, बहुत सारी crops है हमारे पास BT की, जिनके अंदर ये gene introduce करके उनको resistant बनाया गया है against the attack of these insect pests. Such plants are resistant to attack by insect pests. BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country. पंजाब का जो मालवा रीजन है ना, वो वहां पे पानी की बहुत कमी थी जिसकी वजह से वहां पे पैडी लगाई नहीं जा सकती थी, फिर वहां कॉटन लगानी शुरू की। तो जब कॉटन लगाई तो कॉटन वॉल वॉर्म्स अटैक कर देते थे, तो कॉटन की फसल भी वहां पे अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो वो एरिया जो है धीरे धीरे डेजर्ट बनने की तरफ जा रहा था, डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि क्रॉप्स जो है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है, ऊपर की लेयर को, फर्टाइल लेयर को सेव करके रखती है। जब कोई प्लांट नहीं लगा हुआ होएगा तो वो लेयर पानी के साथ, विंड के साथ अपने आप इरोड होती जाएगी और नीचे से डेजर्ट वाली लुक देनी शुरू कर देगी। तो तब इसकी बीटी कॉटन की डिस्कवरी हुई। तो बीटी कॉटन जो थी, नाउ इट इज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ दैट इंसेक्ट पेस्ट। तो इस
बीटी कॉटन ने पंजाब का जो मालवा रीजन था उसको डेजर्ट में कन्वर्ट होने से बचा लिया, क्योंकि इट वॉज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ दैट कैटरपिलर, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गई और मिट्टी जो थी, सॉइल जो थी, वो बाइंड रहना शुरू हो गई और उसकी जो है इरोजन नहीं हुई. ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? नहीं दिक्कत है तो थम्स अप खड़े करो, फिर हम आगे चलते हैं. थम्स अप करो. अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. ओके फाइन, अस्मिता, गुरलीन, हितेशी, ऑल क्लियर है. हर्षिका, ओके फाइन, चलो चलते हैं आगे. तो अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर की. बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं. अब बायो फर्टिलाइजर क्या है? देखो, हम अपनी क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अपनी क्रॉप्स को देते हैं. ठीक है, कहते हैं कि जिस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है उस फर्टिलाइजर को हम कंप्लीट फर्टिलाइजर का नाम देते हैं. तो मार्केट के अंदर ये फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, बट ये फर्टिलाइजर्स, जैसे हमने फर्टिलाइजर क्रॉप में डाल दिया, सॉइल में डाल दिया, धीरे धीरे प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे और ग्रो करेंगे. कई बार क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है तो ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ बह के किसी वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां पे एल्गी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही थी. लेकिन अगर उसको ये फर्टिलाइजर मिल जाएगा, दिस इज क्रिटिकल फर्टिलाइजर. क्रिटिकल का मतलब होता है जो प्लांट्स को बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए लेकिन सॉइल में ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो उस एल्गी को जब ये फर्टिलाइजर मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो एब्रप्टली ग्रो करती है, इतनी विग्रस ग्रोथ शो करती है कि सारी की सारी जो वाटर बॉडी है इट विल बी कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर एल्गी. तो उसको एल्गल ब्लूम का नाम देते हैं. सिमिलरली एल्गल ब्लूम हो गया तो पानी की बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, है ना? तो इसलिए वाटर बॉडीज वगैरह जो है खराब होती है. दूसरी चीज ये है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इनसे खराब होती है जो हम केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं. तो अब हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी जो है वो मेनली फोकस करती है ऑन द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. के कुछ लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग वो है हमारे पास जिनको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं. पहले एक बार इसको रीड करते हैं. विद आर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. The use of chemical fertilizers to meet the ever-increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. ये pollution को भी water pollution है ना, इसको वो add कर रहा है. We have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch on organic farming. Currently, in our country, a number of biofertilizers are available in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. Market ke andar, hamari ke andar ye bio fertilizers available hain aur farmers isko continuously use karte hain taaki wo chemical fertilizers ke upar apni dependence jo hai usko kam kar sake. तो बायोफर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. इसमें मेनली आते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया. तो कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं देखते हैं, कौन कौन सी फंजाई आती है. पहला हमारे पास आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम. तुम्हें पता है राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. और राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है इन प्लांट्स के साथ. प्लांट जो है इसको रहने की जगह देता है और बदले में ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके किसको हैंड ओवर करता है, प्लांट को. तो तुमने यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की एग्जांपल्स याद रखी. एक हमारे पास है पहले फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक की एग्जांपल हो गई राइजोबियम. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है हमारे पास? फ्री लिविंग होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, जब तक जिंदा है नाइट्रोजन फिक्स करेंगे अपनी अपने लिए, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं.
फिर उनकी बॉडी के प्रोटीन्स को वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनटू अमोनिया, फिर अमोनिया की नाइट्रिफिकेशन होके ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कहाँ पे आती है, सॉइल के अंदर। आई होप कि तुम्हें प्लस वन वाला मिनरल न्यूट्रिशन वाला याद है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं यहाँ पे, दैट इज एजोस्पाइरलम, क्लास के बाद, तो इसमें हमारे पास आएंगी एजोस्पाइरलम एंड अजोटोबैक्टर, जो हमारे नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करेगी। तो फ्री लिविंग में आ गया एजोस्पाइरलम, अजोटोबैक्टर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हमारे पास आ गया, दैट इज द राइजो। देन एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये तुमने पहली बार टर्म सुनी होगी। एसोसिएटिव होता है जो सिर्फ प्लांट के सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर तक नहीं जाता। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव ऑन द सरफेस ऑफ द रूट्स, रूट्स के सरफेस तक रहेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एजोस्पाइरलम, इसको हम एजोस्पाइरलम का नाम देते हैं। तो तीन हो गए। उसके बाद हम साइनोबैक्टीरिया देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया। ओलोसीरा फर्टिलिसिमा जो है राइस फील्ड्स के अंदर मिलता है, और जो पेडी फील्ड्स है उनके अंदर भी जो है साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करती है हमारी सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। तो साइनोबैक्टीरिया याद रखना है कौन कौन से हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया, और ओलोसीरा फर्टिलिसिमा राइस फील्ड्स के अंदर है जो नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करता है। तीसरा, इसमें हमारे पास फॉस्फेट बैक्टीरिया भी आता है जो फॉस्फोरस की अमाउंट को सॉइल में इंक्रीज करता है, दैट इज माइक्रोफॉस बायो फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं और उसका नाम है बैसिलस मेगाथीरी। तो हमने बायो फर्टिलाइजर्स किए, पहले इसमें हमने बैक्टीरिया किया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसमें कुछ फ्री लिविंग किए और कुछ हमने किए जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम है, फ्री लिविंग में हमारे पास अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, और जो है एसोसिएटिव किया एजोस्पाइरलम। देन फ्री लिविंग इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन सी एग्जाम्पल याद की, एनाविना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, देन ओलोसीरा फर्टिलिसिमा राइस फील्ड्स के अंदर है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। देन फॉस्फेट बैक्टीरिया में हमने माइक्रोफॉस बायो फर्टिलाइजर, बेटा ये सारे नेम्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी उठा के देखना, उसमें सब दिए हुए, ठीक है। दो चार ही मैंने बीच में ऐड किए हैं। देन उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज द माइकोराइजा। तुम्हें पता है माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड दैट ऑफ द फंजाई। फंजाई पेनिट्रेट करती है अपने हाइफी को इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल और वहां से ऐसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है जो प्लांट अपने आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, ठीक है। तो बदले में प्लांट जो है वो फंजाई को क्या करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सॉरी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो हैंड ओवर करता है टू द ये प्लांट जो है उसको। प्लांट्स जो है ऐसी एसोसिएशन वाले जो है इसमें और भी बड़े फायदे होते हैं, रूट बॉर्न पैथोजेंस, जो रूट के ऊपर अटैक करने वाले पैथोजेंस होते हैं उनके लिए प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, सॉइल कंटेंट के सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा भी हो जाए उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं, अगर सोका पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, वो अपने हाइफी अंदर तक भेज देते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ, द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू द रूट्स, इन टर्न द रूट्स प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइक्रोराइजा। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन, ठीक है, कई प्लांट्स के अंदर ऑब्लिगेट एसोसिएशन होगी विद द माइक्रोराइजा। पाइनस, ऑब्लिगेट का मतलब है उनके बिना कोई गुजारा ही नहीं हो सकता। पाइनस सीड्स जर्मिनेट ही नहीं कर सकते
विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा. माइकोराइजा के बिना पाइनस के सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते. तो माइकोराइजा भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर की तरह काम करता है. तुम सोच के सुन के वो हो जाओगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, बट वो ऐसी सॉइल्स के अंदर ग्रो करते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है. ऐसी सॉइल्स को हम नाम देते हैं ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स का. तो फिर भी वो इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं? क्योंकि उनकी रूट्स के साथ माइकोराइजा की एसोसिएशन है. तो वो उनको ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल जो है एब्जॉर्ब करके देती है, जो प्लांट को वैसे नहीं मिल सकते थे. इसीलिए वो प्लांट्स जो हैं वो लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ्स जो है वो शो करते हैं. दैट्स वाई दे हैव द हाइएस्ट प्रोडक्टिव. अब जो रूट्स होएंगी माइकोराइजा वाली, जहां तो ट्यूबरस होएंगी, प्रॉपर शेप नहीं होएगी, जहां फिर उसके ऊपर छोटी छोटी नॉट्स बनी होएंगी, जहां फिर वो कोरेलॉइड रूट्स होएंगी. अब तुम्हें पता है माइकोराइजा दो तरह का होता है, एक्टो. अगर फंगस बाहर बाहर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो एक्टो माइकोराइजा का नाम देते हैं. अंदर तक नहीं जाएगी, उसको कहते हैं एक्टो माइकोराइजा. ठीक है, अंदर तक नहीं जाएगी, बाहर बाहर रहेगी. लेकिन अगर फंगस बना लेती है वेसिकल्स एंड आर्बस्क्यूल्स, और वो वेसिकल्स और आर्बस्क्यूल्स जो हैं प्लांट के कॉर्टेक्स रीजन तक चले जाते हैं और अंदर तक कनेक्शंस बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा. उसको हम एंडोमाइकोराइजा का नाम दे देते हैं. और इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज VAM, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा. क्या बोलते हैं? VAM, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा. तो देखते हैं, बल्क ऑफ द फंगस सरफेस ऑफ द रूट के ऊपर लाई करेगी, बट अ पार्ट ऑफ इट इज इन द स्पेसेस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टेक्स. पाइन्स, ओक्स, बिर्चेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यूकेलिप्टस इन ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर ये हमें मेनली मिलेगा. और इसके अंदर जो फंगस इन्वॉल्व होती है, एस्को एंड बेसिडियो माइकोटा होती है, इंक्लूडिंग मेनी दैट प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक टोडस्टूल ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर. तो इसमें एस्को एंड बेसिडियो माइसिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होगी. ठीक है, देन कम्स द जो तुम्हारे पास आती है एंडो माइकोराइजा. ओनली अ लिटल ऑफ द फंगस जो है ये एक्टो है, बेसिकली ऊपर वाली एंडो है. अच्छा, ये एंडो है, सॉरी. ओनली अ लिटल ऑफ द फंगस लाइज ऑन द रूट सर्फेस. रूट सर्फेस के ऊपर थोड़ी सी होएगी, बाकी सारी कहाँ पड़ी होएगी? कॉर्टेक्स के अंदर. जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, अगर बाहर बाहर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो एक्टो. ठीक है, इसमें मेनली फंजाई इन्वॉल्व होती है, एस्को माइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा. और अगर वो बाहर थोड़ी सी प्रेजेंट है लेकिन अंदर चली गई है और जाके उसके कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बना रही है, देन इट इज कॉल्ड एज एंडो माइकोराइजा. ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है. इसमें प्लांट का रोल क्या है? फंजाई को न्यूट्रिशन देगा. ठीक है, जो इंटरसेलुलर हाइफी हैं वो फूड ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द रूट सेल्स, और हाइफी जो है ऑब्टेन नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द इनसाइड द सेल्स. और जो फंजाई है उसका रोल क्या है? एसेंशियल मिनरल आयंस और पानी एब्जॉर्ब करके देगी फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू. जो रूट नहीं कर सकती थी इतनी डीपली, वो वहां से पानी एब्जॉर्ब करके देगी. ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस भी प्रोवाइड करेगी, एंटी माइक्रोबियल भी करेगी, एंड सम फंजाई कांट सर्वाइव विदाउट माइकोराइजा. कई जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते प्लांट्स जो है माइकोराइजा के बिना. तो इनके हमें फायदे क्या हैं बायो फर्टिलाइजर्स के? हमारी सॉइल, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, किसी चीज का कोई पॉल्यूशन नहीं होता. क्रॉप यील्ड इंक्रीज होती है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस कम होते हैं, प्लांट के ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं, वो भी रिलीज होते हैं. जो क्रम्ब नेचर होती है सॉइल की, जब तुम मिट्टी को निकालो तो इतने बड़े बड़े क्रम्ब स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसको मेनटेन करके रखता है. कॉस्ट इसकी कम है, कोई ज्यादा खास नहीं है. डू नॉट चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल एंड यूजफुल इन ऑल सॉइल कंडीशंस. कैसी भी सॉइल की कंडीशंस हो, सब में ये बेनिफिशियल. ठीक है जी, देन उसके बाद हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज आईपीएम, उसके बारे में दो तीन लाइनें हैं. तो आईपीएम क्या है? इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ पेस्ट कंट्रोल थ्रू बायोलॉजिकल और नेचुरल मेथड्स एंड यूजिंग द केमिकल पेस्टिसाइड्स व्हेन इट इज एसेंशियल. मतलब
आईपीएम जो है ये नहीं कहता कि तुम केमिकल्स को यूज ही ना करो, तब यूज करो जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है और मिनिमम अमाउंट में यूज करो। लेकिन हमने क्या करना है, जो अब हमारे इंसेक्ट पेस्ट्स हैं, जहाँ हमारे इंसेक्ट जो अटैक करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उनको हमने मैनेजेबल लेवल पे रखना है। किस तरीके से? बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर नेचुरल प्रीडेटर्स, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सैनिटेशन, रिमूवल ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एंड यूजिंग इट फॉर मैन्योरिंग एट अ डिस्टेंस, के जो क्रॉप का बचा कुचा रेजिड्यू पीछे बच जाता है उसको हम मैन्योर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। कल्चर प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेचुरल प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स जैसे अजादी रेटिटिन हो गई, देन पायरेथ्रिन हो गई, थ्यूरियोसाइड, थ्यूरियोसाइड वही बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से जो मिलती है। तो इसके कंपोनेंट्स में ये यही कहता है कि जो भी क्रॉप्स का बचा कुचा है उसको एज अ मेन्योर की तरह यूज कर लो, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज ग्रो करवाओ, जहां कहीं पॉसिबल है बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करो, अगर पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत पड़ भी गई तो नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करो, कोई भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके जी, तो इसके साथ तुम्हारा एक और चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट पहले तो ये बताओ, किसी ने कुछ पूछना हो? क्वेश्चन जो है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में वो अपनी डाउट्स लेके आ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी ऑब्जेक्टिव, उससे नेक्स्ट में तुम्हें करवाऊंगी मैं सब्जेक्टिव, दो लेक्चर हम क्वेश्चन करेंगे और बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगी जिनकी तुमने आंसर की लिख के मुझे भेजनी, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी दो क्लासेस हम इस चैप्टर को और देंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है हर्षिता। ओके बच्चे, चलो आज के लिए बहुत है, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अब थॉरली बैठ के इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, कोई भी दिक्कत है तो इसको ले आना। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? मैम आप इसकी वीडियो अपलोड करोगे, मेरा सारा लेक्चर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी मुस्कान, शाम तक कर दूंगी, ठीक है। वो पहले कन्वर्ट होती है ना, फिर वो अपलोड होती है, ठीक है, मैं कर दूंगी। यस गुरली, हर्षिका, अस्मिता, सबको समझ आ गया सारा कुछ? ओके ठीक है, चलो जी, ओके फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। माधव गुलेरिया भी था आज, है, बोला नहीं कुछ।